गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ मास मीडिया एंड हिस्ट्री। इसके पहले हमने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 शुरू के 3 किए थे, पॉलिटिकल साइंस में 2nd और 3rd किया था। तो उसी को देखते हुए, लेसन के लेंथ को देखते हुए, हम चैप्टर नंबर 5 को शुरू करते हैं, दैट इज़ मास मीडिया एंड हिस्ट्री। वैसे आपको बता दूँ, मास मीडिया हिस्ट्री होता क्या है। मास मीडिया क्या है पहली बात तो, ये हिस्ट्री तो बाद में डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं। चलो सपोज थिंक अबाउट इट, यहाँ पे जो दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द मेथड ऑफ सेंडिंग अ न्यूज़ टू दिल्ली इफ देयर वर अ फमाइन इन बिहार इन द मुगल पीरियड। मुगलों के दौर में मान लो अगर बिहार में सूखा पड़ा है, फेमाइन आ गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो दिल्ली तक ये खबर पहुँचेगी कैसी। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज़, और कब तक मदद पहुँचेगी दिल्ली से, है ना। तो एक सवाल है, तो मास मीडिया इसका एक आंसर है। आज जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ मोबाइल पे देख लेते हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं, कंप्यूटर्स पे देख लेते हैं, हर प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें क्या मिल जाती है, न्यूज़, राइट। और न्यूज़ में क्या मिल जाता है हमको कि कौन सी जगह पे क्या घटना हुई है। अब जैसे कि आज के दौर में हम देख रहे हैं, कहीं पे COVID-19 के ज़्यादा पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, कहीं पे गैस लीक हो रही है, कहीं पर तूफान आ रहा है, तो ये सब जानकारी भी हमको मिल ही रही है। हम तो वहाँ गए भी नहीं देखने के लिए, बट स्टिल हमें मिल तो रही है। तो किस तरीके से मिल रही है, वो मास मीडिया के हेल्प से मिल रही है। सो इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया क्या कहता है। मास मीडिया कंटेन्स टू वर्ड, मास इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल। एग्रीगेशन बोले तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल, सब मिला के, टोटल नंबर ऑफ पीपल। और मीडिया मीन्स क्या होता है, वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से उससे कम्युनिकेशन हुआ। दस मास मीडिया इज़ अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, वी कैन ईजिली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो आज पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमें भी है, और हम जो हमारे यहाँ पर जो होता है उसकी जानकारी बाहर भी जाती होगी, जाहिर सी बात है। देन इन ओल्डन डेज अ क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट्स बीटिंग ड्रम्स एंड क्राइंग आउट द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द किंग। पुराने ज़माने में आप जानते ही हो, ऐसे होता था, किसी गांव में जब कोई खबर पहुंचानी होती थी राजा के ज़रिए, तो राजा क्या करता था, वो खबर को अपने आके जो उसके दरबार में होता था, जो आके एक ढोल सा लेकर आता था गाँव के चौराहे पर और वहाँ ढोल पीटता था, तो लोग समझ जाते थे कि वो कोई खबर लेके आया है, और सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। और अगर समझो कोई नहीं भी आया और जिसने खबर सुनी, तो वो क्या करेगा, दूसरे को खबर वो सुना देता था, समझा देता था, पर बाकी लोग ऑलमोस्ट सब सुन लेते थे। द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग द पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। यस, वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, एक दूसरे से कहना, एक दूसरे की खबर, ये भी है। वैसे आज भी हम करते ही हैं, जैसे कि कोई अगर सोशल मीडिया पे भी कोई न्यूज़ आ जाती है तो हम एक बार उसको शेयर तो करते ही ना, व्हाट्सएप पे, हाइक पे, या फिर कहीं पर ना किसी थ्रू, हालांकि उसने पढ़ा होगा नहीं होगा उसकी बात है, बट स्टिल एक भेजने वाला क्या सोच के भेजता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, वायरल हो जाए फटाफट, मास मीडिया उसी का नाम है। देन अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। चलो मास मीडिया आज जो है वो अलग है, पर इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। यस, ब्रिटिश आने के बाद ही हम लोग को ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और अखबार ये सब समझ में आया, उसके पहले हमारे पास अखबार भी नहीं थे। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमंग द पीपल। न्यूज़पेपर पहला मास मीडियम बना जिससे लोगों को न्यूज़ और नॉलेज दोनों सर्कुलेट होती थी। आज भी न्यूज़पेपर की वैल्यू है अपनी जगह पे, पर लोग अब उतना उसको वैल्यू नहीं देते क्योंकि लोगों को ऑनलाइन अपने मोबाइल पे खबर मिल जाती है। हाँ, लेकिन एक बात है, पहले न्यूज़पेपर की वैल्यू बहुत हुआ करती थी, और पहले न्यूज़पेपर बहुत छोटे आते थे, इतने बड़े भी नहीं आते थे। लाइक अब इसमें कितने सारे पेजेस आते हैं,
इसमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ये वो सब आता है, बट पहले के ज़माने में सिर्फ खबर आती थी आसपास की खबर, क्योंकि पहले इंटरनेट तो था नहीं, तो जो भी इस खबर को छापेगा वो आसपास की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके छापेगा। लेकिन लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि ये न्यूज़पेपर कब आएगा और हमें कब मिलेगा पढ़ने के लिए। देन न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम। यस, ऐसे न्यूज़पेपर में और क्या क्या हो सकता है? देखिए, न्यूज़ होती है, एडिटोरियल्स के बारे में होगा, पब्लिक के ओपिनियन के बारे में, पब्लिक से कुछ सवाल होते हैं उसमें पब्लिक अपना ओपिनियन देती है तो लागे वो भी लोग पढ़ते हैं, और थोड़ा कुछ एंटरटेनिंग डाल दो और सप्लीमेंट्री कंटेंट थोड़ा बाहर का एडिट, तो इससे क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का एक एंटरटेनमेंट बढ़ जाता है अपने आप में। लोग न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ते हैं कि चलो उसे कुछ एक चीज़ पसंद आती होगी किसी पे पर्टिकुलर पेज पे, इसीलिए पूरा अखबार खरीद रहा है। खैर जो भी हो, इन्फॉर्मेशन तो पास आउट होनी ही है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट। यस, न्यूज़पेपर अपने आप में क्या है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो आज के करंट इवेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। अब जैसे कि आज जो अखबार आया है, कल वो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल इवेंट बन जाएगा, उसको संभाल के रखेंगे फ्यूचर के लिए, कभी अगर कुछ रेफरेंस लेने को रहा तो, मर्जी की बात है। वैसे अगर आज भी मैं कहूँ कि मुझे 1947 15 अगस्त का अखबार चाहिए तो उसकी कॉपी भी रखी हुई है। फाइन, मतलब हर रोज़ जितने भी अखबार छपे हैं आज तक के, हर एक की कॉपी संभाल के रखी गई है फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि क्या छपाया गया था, क्योंकि क्या है, लिखे हुए की अलग ही वैल्यू होती है। प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। बिफोर द बिगनिंग ऑफ द कॉमन ईरा देर वॉज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विथ रॉयल डिक्रीज एट अ पब्लिक प्लेसेस। चलो अभी इसके बारे से देखते हैं, इजिप्ट के ज़माने की बात देखते हैं, इजिप्ट में कैसा हुआ करता था। पब्लिक प्लेस पे एक इंस्क्रिप्शन रख डालते थे वो लोग, पत्थरों पर लिख कर, है ना, उस पर एक गढ़ कर। एम्परर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मैथड टू रीच आउट इज सब्जेक्ट। अशोका जो हमारे एम्परर हैं, उन्होंने भी वैसे ही किया था। किंग, किंगों के किंग जिसको हम एम्परर कहते हैं, वो भी यही मेथड यूज़ करते थे। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्री, रॉयल डिक्री मतलब क्या, कोई आदेश, किसी प्रकार का कोई फैसला हुआ है, वेयर रिटन ऑन द पेपर्स एंड दोज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन, दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। तो सारी इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करते थे और जो अखबार मतलब पेपरों पे लिख कर लाते थे, और फिर उसको इंस्क्रिप्शन के तौर पे लोगों के सामने रखते थे। ड्यूरिंग जूलियस सीजर रेन न्यूज़पेपर नोन एज अ एक्टा ड्यूरना, मीनिंग एक्ट ऑफ एवरी डे, यूज टू बी प्लेस एट वेरियस पब्लिक प्लेसेज इन रोम। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड टू पीपल इन द 7th सेंचुरी। रॉयल डिक्टेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एट पब्लिक प्लेसेस इन इंग्लैंड। हैंड आउट यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट। यस, ये सब जानकारी मिलती थी। ट्रेवलर अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड एड स्पाइस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेसेज एंड नरेटेड टू ऑल द लोकल पीपल। पहले की बात अगर ट्रैवलर क्या होता है, जो बंदा ऐसी जगह पर घूमने गया है जिसके पहले आज तक कोई नहीं गया, और जब वो रिटर्न आएगा तो वहाँ की पूरी खबरें वो सुनाएगा। द एम्बेसडर ऑफ द किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट। फाइन, तो जो भी न्यूज़ मिलती थी वो लोग क्या करते थे, वहाँ से रिप्लाई में रॉयल कोर्ट को बता देते। देन वी हैव अ बंगाल गैजेट। चलिए देखते हैं बंगाल गैजेट क्या है। बंगाल गेजेट एक अखबार का नाम है। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। पहली बार इंग्लिश पेपर छपा था। इट वॉज नेम्ड एज कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर का नाम ये था। फिर उसका दूसरा नाम लिखा गया बंगाल गजट। ये पहला अखबार था इंग्लिश में, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी।
ये पर्सन ने शुरू किया था, यहाँ पे इसका फोटो दिया है, नाम दिया है। पहला इंग्लिश अखबार, ये कहाँ से था? आयरिश जेंटलमैन। दूसरा दर्पण, द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832, मतलब अंग्रेज थे बट लेकिन बहुत पहले, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 190 साल हो गए। कभी शुरू हुआ था ये मुंबई में 1832 में, बाल शास्त्री जांबेकर वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दर्पण। यस, उनकी फोटो दी हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं। द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड टू नो अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चर इवेंट्स ऑफ दोज टाइम्स। हियर आर फ्यू लिटिल फ्यू टाइटल्स एग्जाम्पल, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस जमाने में ब्रिटिश जो थे हमारे सर पे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थे। फाइन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खर्चा वगैरह ये था, ये वो लिखते थे उसमें। द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी फॉर क्लीनिनेस ऑफ द सिटी, री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज, द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कलकत्ता, एंड अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। ये उस जमाने में सबसे लोकप्रिय खबरें हुआ करती थी, जिनको लोग पढ़ना पसंद करते थे, इनके बारे में लोग ही लोग पढ़ते थे। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रू लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ दोस डेज। प्रभाकर, दिस न्यूज़ पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बहु महाजन, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शतपत्रे, द लेटर बाय लोकहितवाड़ी गोपाल हरि देशमुख एंड एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेयर पब्लिश इन दिस न्यूज़ पेपर। इस अखबार में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में छपता था, शतपत्रे के बारे में छपता था, और जो लेटर्स लिखा करते थे मराठा एम्पायर में उनके बारे में छपता था। देन उसके बाद नया अखबार और आया ध्यानोदय, प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842, द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। मतलब पहली बार अगर किसी ने मैप देखा होगा एशिया का तो इस अखबार में छपा था, और अगर किसी ने यूरोप का मैप देखा होगा तो भी इस अखबार में छपा था, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, पर तो किसी वजह से इन लोगों ने मैप को दिखाया कि ऐसा यूरोप है, ऐसा एशिया है। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ध्यानोदय। द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ, पहली बार जब टेलीग्राफ इंस्टॉलेशन हुआ, यूज़ फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़ कैन बी सीन इन ध्यानोदय, ये भी अखबार में ही छपा था ध्यानोदय में। द न्यूज़ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ध्यानोदय, जब ट्रेन चालू हुई इस बात की खबर भी इसमें ही छपी थी। देन द न्यूज़ ऑफ स्टार्टिंग रेलवेज वॉज प्रिंटेड इन ध्यानोदय, टाइटल नेम कॉल्ड चक्य मिसोबा, मीन्स मसोबा विथ व्हील्स। इट हैज़ प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। यस, 1857 की जो लड़ाई थी, सबसे पहली क्रांति थी, उसके बारे में भी। न्यूज़पेपर इन दोज टाइम्स वेयर अ इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। उस जमाने में न्यूज़पेपर एक बहुत ही ख़ास मीडियम में गिने जाते थे, जो न्यूज़ समझाने के लिए बहुत काम आते थे। अ न्यूज़ पेपर नेम इंदू प्रकाश सपोर्टेड विडो मैरिज इन अ बिग वे। इंदू प्रकाश एक न्यूज़ पेपर अलग से आया, जो कि ये विडो री मैरिज को बहुत ही सपोर्ट करता था अपने आप में बहुत ही बड़े तरीके से। दीनबंधु न्यूज़ पेपर एक और आया, या न्यूज़ पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दैट इज बहुजन समाज, वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले क्लोज एसोसिएट। उन्होंने शुरू किया था बहुजन समाज नाम से, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के जो कार्यकर्ता थे, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने किया था। वैसे महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में सब जानते ही होंगे, हु वॉज ही, है ना, लड़कियों के लिए पहली बार स्कूल बनवाया, विडोरी मैरिज को उन्होंने ख़त्म किया। देन कृष्णा राव भालेकर, वी गेट टू नो अबाउट द इशूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़ पेपर। देन यहाँ पे देखो एक बताया है, ये डीयूनो में, बाला शास्त्री जांबेकर इज रेफर्ड टू द फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज बींग द एडिटर ऑफ हिज फर्स्ट मराठी न्यूज़ पेपर। हिज बर्थ डेट 6 जनवरी, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, केसरी एंड मराठा।
केसरी एंड मराठा आर द टू न्यूज़पेपर्स आर इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के पहले इन दो अखबारों को बहुत ही बड़े लेवल पे मानते थे. गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर इन 1881. दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज ऑफ दैट पीरियड. केसरी बिगेन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन, बुक इन द नेटिव लैंग्वेजेस एंड द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड. इन द 21st सेंचुरी न्यूज़ पेपर हैव कंटिन्यू टू फुलफिल एन इम्पॉर्टेंट रोल. इट वॉज एक्नॉलेज द फर्स्ट फोर्थ कॉलम ऑफ द डेमोक्रेसी. यस, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जिसको माना गया है वो है न्यूज़ पेपर. फाइन, याद रखना. देन इसके बाद आती है बात मैगजीन्स एंड जर्नल्स की. मैगजीन एंड जर्नल्स आर द पीरियोडिकल पब्लिकेशन. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशंस विच आर वीकली, हफ्ते का, बाय वीकली, दो हफ्ते का, दैट इज 15 दिन जिसको बोलेंगे, मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल. देर में बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम. बालाशास्त्री जांभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी. यस, ये भी इन्होंने ही शुरू की थी. मैगजीन एक अलग होती है जिसमें पूरे महीने भर की खबर आ जाती है एक बार. इट वॉज नेम एज दिग्दर्शन. अमंग द पीरियोडिकल्स प्रगति नाउ अ डिफंक्ट जर्नल वॉज स्टार्टेड इन 1929 एंड एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर सेजावलकर. ही रोट रेगुलरली इन हिस्टोरिकल हिस्टोजोग्राफिकल जर्नल और महाराष्ट्र हिस्ट्रीज एंड सोशल मूवमेंट. करंटली देर आर मैनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री. मराठी जर्नल्स सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल. येस, ये भी और भी एग्जाम्पल्स हैं. देन वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म. दीज आर द अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म. वैसे आज तो डिजिटल ही चलता है. हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियोडिकल एज वेल. मैनी वेब न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल, यूट्यूब मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द ऑडियंस रीडर. इट इज़ वेरी सिंपल. आजकल अगर किसी को न्यूज़ देखनी है तो ऑनलाइन डिजिटल जाके ही देखेगा. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर द रेडियो. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, अ प्राइवेट रेडियो कंपनी, वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स. लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम्ड एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. ऑन 8 जून 1936 इट वॉज रिनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो. इसको 1936 में ये नाम मिला था. आफ्टर इंडिपेंडेंस ए आई आर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा. आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट चैनल, एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर, वर्कर, द यूथ एंड द वुमेन. द विविध भारती प्रोग्राम्स वेयर आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एज इन 146 डायलैक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. लेटली नाउ वेरियस न्यूज चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज. हम देखते हैं ना FM रेडियो. हालांकि आज के दौर में इसको जल्दी कोई सुनता नहीं है, सबके पास अपने अपने मोबाइल पर म्यूजिक प्लेयर होते हैं, वीडियो है. बट स्टिल आज भी अगर किसी को ट्रैवलिंग करते वक्त अगर न्यूज़ सुननी है तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है रेडियो का. आज तो काफ़ी सारे चैनल है, विविध भारती भी है इसमें, आज भी है, जब से शुरू हुआ है आज भी आती है इसमें खबरें रोज़ सुबह शाम. इस पर इंडिया की कोई भी अगर ऐसी खबर आती होगी जो सुनने को मिलती है, जिसकी पूरी अनाउंसमेंट अगर हुई तो रेडियो पर ही होती है, क्योंकि पहले के ज़माने में टीवी नहीं थे, रेडियो सबसे पहले आया था. सो बिकॉज ऑफ दिस ये मास मीडिया हिस्ट्री की हिस्ट्री यहाँ तक बताती हमको. एंड नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट दिस वन इज़ टेलीविजन.
द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट. दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगिन टू टेलीकास्ट इस प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972. कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 15 अगस्त 1982. पहली बार कलर टीवी आया, लोगों को पता चला. इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल टू टेलीकास्ट इन इंडिया. दस इट बिकम पॉसिबल फॉर इंडियंस टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट ऑन टेलीविजन. फाइन, उसके बाद ही लोगों को और पता चला कि टीवी भी क्या, मतलब टीवी बहुत रेयर लोगों के पास हुआ करती थी, बिकॉज सब जानते हैं एक्सपेंसिव चीज़ है, ब्लैक एंड वाइट थी पहले के ज़माने में, बट आज ये कॉमन हो चुकी है लोगों के लिए. सो टीवी की भी अपनी एक हिस्ट्री है जो कि शुरुआत हुई थी यहाँ पे. फिर टीवी बनाई किसने थी, जॉन लॉगी बोर्ड. इंडिया में इसको 1972 में लाया गया, तब जाके यहाँ पे दूरदर्शन जो पहला चैनल है दूरदर्शन, ये शुरू किया गया था. आज भी है वैसे तो ये. फाइन, इसके आगे का जो पार्ट है हम अगले सेशन में इसको देखेंगे, कंप्लीट करेंगे. फाइन, ज़्यादा तो है नहीं इसमें, अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है. स्टिल टिल देन आप इसको अच्छे से सुनिएगा, रीड करिएगा, आपको ये आ जाएगा. ओके, बहुत ही आसान है. थैंक यू.